तो गाइस यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपन लोग सीख रहे हैं Audacity का ट्यूटोरियल जो कि आपको पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपन लोग सीख रहे हैं Audacity का ट्यूटोरियल जो कि आपको पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपन लोग आज सीखने वाले हैं नॉइस रिडक्शन कैसे करना है, बिल्कुल टोटली अपनी वीडियो से जो है नॉइस को जो है वो रिमूव करना है। अब बहुत से लोग हैं वॉइस ओवर करते हैं बट उसके अंदर जो नॉइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा कैप्चर हो जाती है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो सबसे पहली वीडियो आई थी उसमें बताया था कि आपको कौन सी जगह सेलेक्ट करनी है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो में दोबारा से बता देता हूँ आपको। गाइज आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जो जगह भी छोटी हो, पूरी चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर छोटा मोटा सामान भी रखा हुआ हो और वहाँ पर आप इजिली खड़े होकर वॉइस ओवर कर सको या फिर बैठना चाहो तो बैठ के वॉइस ओवर करो और बिल्कुल रिलैक्स होके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना है अगर आप ज़्यादा तेजी से बोल रहे हो और आप बीच में अटक जाते हो, आपकी सांस फूल जाती है, तो आपको क्या करना है एक लंबी सांस लेनी है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक लंबी सांस लें और फिर दोबारा स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने भी अपनी वॉइस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और आप फिर चेंजिंग अब आप लोग आप खुद चेक कर सकते हो। तो देखें अब अपन लोग तो वॉइस एडिटिंग करना सीख लेंगे बट थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन को प्रैक्टिकली करना भी चाहिए। अब देखो आप लोग सीख रहे हो तो आप प्रैक्टिस करा करो रेगुलर बेसिस पे, या फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं तो 10-15 मिनट बैठा करो, बोलने की कोशिश करा करो और फिर आप जब बोलते रहोगे तो आपका एक बोलने का स्टाइल बनेगा, बोलने का लहजा बनेगा, आप फिर किसी के भी सामने बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी करा करो, प्रैक्टिस करा करो ताकि बोलना भी आए, क्योंकि जब बंदा जब बोलता नहीं है खामोश सा रहता है तो फिर समझ में नहीं आता कि कोई है भी वहाँ पर या फिर नहीं है। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको वॉइस अपनी अच्छी करनी है तो आप प्रैक्टिस करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन करो भाई जितना बोल सकते हो बोलो उस वीडियो में। ऐसा करो अकेले भी हो ना तो ऐसा लगे आपको कि किसी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करे करो। तो बस यही कहना चाहूँगा और बाकी जो कहूँगा मैं नॉइस रिडक्शन करना सिखाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड Audacity पे। तो आ जाओ स्टार्ट कर लेते अपने इस वीडियो को। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जो मौजूद है अभी यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर Audacity जो है वो ओपन है। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर अपन लोग फाइल पे क्लिक करेंगे तो अपन को अपना जो फाइल है उसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन लोग ने जब सीखा था Illustrator तो वहाँ पर क्या होता था, अपन लोग जब न्यू पे क्लिक करते थे तो वहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता था, बट यहाँ पर अलग है, यहाँ पर इम्पोर्ट होता है। तो अपन लोग यहाँ पर इम्पोर्ट पे जाके ऑडियो पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट की भी इसकी मिल जाती है, इस पर क्लिक कर सकते हो आप लोग, या फिर ये शॉर्ट की जो है उस पर भी आप वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से आपका जो भी फाइल हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये वाला मेरा म्यूज़िक है तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो टाइमलाइन, ये जो ट्रैक है, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहो सुनना तो यहाँ से बैक स्पेस दबा के भी सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो यानी के। तो मैं आपको अभी सुनाकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे देखने के लिए कि इसके अंदर नॉइस है या फिर नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं अपने तो आपने देखा शुरू में कुछ झी करके आवाज़ आई इसके अंदर, वो है नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगी ये होती है नॉइस, ठीक है। तो इसको अपन लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगा ये, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे अपन लोग इफेक्ट के अंदर, ये देखिए सिलेक्ट है और सिलेक्ट कैसे करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पर जाना है इफेक्ट वाले पैनल में एंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा नॉइज़ रिडक्शन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर अपन लोग चले जाते हैं नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर, क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर यही सेम टू सेम सेटिंग आप लोग रख सकते हो। अगर आप कम रखना चाहो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा रखना चाहो तो रख सकते हो, सिंपल मैंने कुछ इस तरह का रखा हुआ है, देखें। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो इनेबल नहीं दिखेगी तो यहाँ पर आपको गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको कुछ और इंटरफेस नज़र आएगा, जैसे कि इस पर मैं जैसे क्लिक कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का है। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूँ या फिर इसी के ऊपर मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ।
इससे क्या होगा, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा इस टाइमलाइन में जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया, तो इससे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट कर देगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और उसके बाद अब जाता हूँ इफेक्ट एंड दोबारा नॉइज रिडक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अब दिखाऊँ तो आपकी जो नॉइज़ होती है वो देखो टोटली रिमूव हो चुकी है, बट इसमें थोड़ी सी भी अभी मौजूद है, तो मैं अभी सुन के चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी भी इसके अंदर मौजूद है, तो मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन कर दूंगा, रिपीट नॉइज़ रिडक्शन आ रहा, कंट्रोल आर प्रेस करके भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर दोबारा हो चुका है। तो यहाँ पर तो यार काफी हद तक नॉइज रिडक्शन हो चुका है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा और कर दूंगा तो ये किस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा क्रिस्प होता जा रही है। और गाइज अब इतना नहीं है कि आप करते रहो, मैं एक लिमिट होती है कि आपको इतना करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दफा आप कर सकते हो, जिससे आपकी वॉइस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करना जो मैंने आपको बताया उस पर अमल करा जाए तो बेहतर रहेगा, कहाँ पर आपको नॉइस, कहाँ पर आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा मैं एक दफ़ा और इसको कर देता हूँ ताकि अब टोटली रिमूव हो जाए। तो अब तो हो ही चुकी है, अब आप लोग चेक करो जैसे कि। तो गाइस यहां पर आप लोग मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपन लोग सीख रहे हैं ऑडेसिटी का ट्यूटोरियल, जो कि आपको पता ही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपने जैसे कि सुना बिल्कुल क्लियरली अपनी हो चुकी है वॉइस एडिटिंग। और आपको अगर मैं अब इसका आफ्टर बिफोर दिखाऊं तो ये थी कुछ इस तरह की वॉइस जो कि आप अभी सुन रहे हो। तो गाइज यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपन लोग सीख रहे हैं ऑडेसिटी का ट्यूटोरियल, जो कि आपको पता ही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपन लोग सीख रहे हैं ऑडेसिटी का ट्यूटोरियल, जो कि आपको पता ही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंट आया है, एंड इसी तरीके से आप भी अपनी नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हो। और उसके अलावा नॉइज़ रिडक्शन करने के बाद फिर अपनी वीडियो को जो जहाँ पर भी आप अपलोड करना चाह रहे हो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको भी नॉइस रिडक्शन आ गया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना गाइज वो होती है नॉइस रिडक्शन। अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी जो नॉइस होती है ना वो तो रिमूव हो ही जाती है। उसके अलावा जब आप उसके ऊपर इफेक्ट डालोगे तो वो आपकी जो नॉइस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए नॉइस रिडक्शन करने के बाद कुछ इफेक्ट भी सीखना है अपन लोग को, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में अपन लोगों ने सीखा नॉइस रिडक्शन कैसे करना है, फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नया इफेक्ट देखेंगे और नया कोई वॉइस ओवर करेंगे, उसके ऊपर अपन लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।